नाम करना ना, मेरी बेटी तो मासूम है ना, उन्होंने बेटा होता है, कल को उन्होंने बेटा होते ही थी सी मासूम बेटी है मेरी बेटी से गाल करे ना, क्या फायदा आंदे उस बेचारे को तो अच्छे बुरे का इतना पता भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक हैं, तुम ठीक ठाक हो? खुश आबाद हो, अल्लाह खुश रखे, लंबी जिंदगी देवे। अभी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को मुकम्मल दिखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा है, वीडियो को मुकम्मल दिखा है। अभी जरा ना आने, अभी धूप आज तेज निकली हुई है तो माशाल्लाह से आज बादल नहीं है, बिल्कुल बारिश भी नहीं है। तो ये जोधर का बीज अंदर रखे थे, थोड़ा खराब हो गया सर, अंदर रखे थे, धारे जाना कमरे रखे थे ना, आज इसको धूप लगती ना, एक दिन आज इसको सुखाएंगे, कल भी इसको कोठा करके रख दे, सुन सुबह इसको दोबारा खिला देंगे, फिर मैं तुम दाल डाल के हम रख देंगे। क्या कर रही हो? परे साफ कर, अंदर साफ की तेरी बाल, मैं तो साफ करा कर रही हूँ, कितनी बीमार साफ, ये पक्का चल रहा है, आप चलाए तो उस दिन सब दिन लगेगा, ये एक पक्का चल रहा है रात का, बस सब दम करती है भैया, मक्खियाँ नहीं मक्खियाँ जल रहा है, तबाय भी नहीं, कपड़ा डाल दो, कपड़ा जैसा आपसे खड़ा रही हूँ, बोरे हम कराए चार बोरे हम ना, ये तीन गट्टू थे इसलिए, और उसका बड़ा ही नहीं तंगा, ये त्रास के लिए बनाया है, त्रास के लिए तंगा जरा ना, जरूरी काम आ गया, दू 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 ना तंगे वाले, मैं कि घास चाहे है कि दूसरा देने बना रही है भी हैं, सेट बना रही है, बस बड़ा ही बैठी है, सोना जा रहा बड़ा के ना, ये बात काम कर रहे हैं, अंदर इधर आ धूप निकली है ना, मैं कि मशीन अलग जगह सुतरी करो जा, आज ये खोल तो इसने अगर पहले काज के खड़े जा, इसने बारिश आनी ना, पानी में इसने बारिश तो ऊपर दरख्त है ना, इसलिए नीचे धूप नहीं है, चाहे अभी साया इधर आए तो थोड़ा सा ऐसे साफ साफ फर्श पक्का है, पुराना जो पे है इसको लगा करके ना घास अभी काटेंगे थोड़ी देर तक, घंटा दो नदीम घास काट कर देती है, नदीम वापस आ गए तो कुछ आज़ादी, घर आ गए ना, परेशान हर दिन परेशान रहता था मैं, काम शाम छोटे मोटे करने होते थे घर के, जानवर के पानी भर आ रहे, चलो घास काटते हुए चार जानवर कर लेंगे, पानी पी लेंगे, वापस आ गए तो आज घास कर काटा है, क्या लग रहा है कई दिन मैं बहुत चक्कर आ चुका हूँ, आज थोड़ा सा जूता डालने के पहले भी डालते हैं लेकिन आज ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ डालते हैं वो दाने दाने का दलिया बना हुआ है, वो दाने का जानों के बाद निकाल दिया है हमने, अमन और मुजम्मिल, अमन ये तो आज कुरान मजीद पढ़ने जा रहे हैं दोनों, जाओ जाओ जल्दी उस्ताद बुला रहा है, साथ ही कारी साहब आते हैं तो पढ़ाने, गरम मसाला पीस रहे हैं, देखो सारा दूध धूप में रखे हैं, गिल आए ना मैं गरम मसाला जाना सोख वैसी वाली को पीस के ना वे लहसुन अदरक पीसा, आई डब्बी घात कर के ना उधर से डब्बे से ना ये तो रावे में सारा सामान सो जाते हैं, पास अरे जरा अगर बच्चा है गरम मसाला, चलो हां बच्चा है चलो पीसो, टमाटर के भाव लेने हैं, भाव बाहर खाने की तैयारी करें, आज इतने बड़े बड़े करे रहे मोटे मोटे करे, आज कोड़े रहा रोकन, नहीं कोड़े नहीं, ये यूज करके खाना ना खाली खाली ना हो गया, तो अच्छा था इनका ही नहीं, इनको थोड़ा सा हला दो तो ये से बन गया,
पहले हला दे कर दिया तो अगर नमक ला दो तीन कौन सा नमक होता है गरम हो गया लस्सी हो गया ना पहले लस्सी ना देना से थोड़े खाना ओ तो फिर देसी होती है ये देसी है बाजार में आते हैं बड़े अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुशी है आप आप आइए ना तीन दिन बाद याद आती बहुत ज्यादा टमाटर सड़कते हैं कट खड़े जी बाकी खड़े नहीं नमक नमक खड़े कोई चटा करे गरम मसाला डाल सारे मसाले कट्ठे डाल दिए सारे रहेंगे आज बिल्कुल ही बादल नहीं आए बिल्कुल ही मौसम बिल्कुल साफ है अब बादल बिल्कुल नहीं आए बिल्कुल मौसम बिल्कुल धूप निकली तो मौसम कलर है बिल्कुल सोनिया बगैर जरा ना रोना की मोक गई है त्रा चार परेशान थी गया आज बस आए तक खुशी है ये सोनिया आ गई वैसे भी गोद ले लिया जहाँ भी जाऊंगी ना साथ जाएगी अच्छा अब तेरा कहाँ गया है वो अभी भाई भी आया लेकिन असल में सफर काफी ज्यादा था ना पूरी रात तो सफर दो दिन तो मेरे सफर में लग गए हैं मैं बहुत टेंशन कर रही हूं मैं आज सोनिया पता क्यों वीडियो कॉल कर रही थी दावल में दिल खुश मैं पता है क्या हर 10 मिनट के बाद ना मम्मी की वीडियो कॉल मेरे पास आ जाती थी कि सोनिया का पूछ लूं हाल कैसी है क्या कर रही है और उस दिन अबू भी बहुत ज्यादा परेशान थे जिस दिन हम गए थे ना उस रात सारी रात नींद सारी रात ये नहीं सोया था हमने देखा नहीं कभी नहीं मैं तो जानती थी ना मैं तो पहले आप तक गई थी एक दफा लेकिन हमने नहीं देखा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा वीडियो बंदा खुद ठीक हो ना मुझे इतना पता है बंदा अगर मुझे बताया उन्होंने बहुत कंट्रोल होता है कंट्रोल होता है दूसरा बंदा दूसरा अगर बंदा खुद ठीक हो ना दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए ना उसको कोई कुछ भी नहीं देता जब बंदा खुद गलत हो जाए ना तो पूरी दुनिया भी साथ हो रहे ना तो वो फिर काबू नहीं आता बंदा सिर्फ मैं इतना कहूंगी ठीक है ना जब बंदा खुद समझदार हो दुनिया को जानता हो दुनिया को पहचानता हो कि लोग किस तरह से हैं लोगों की समझ हो तो वो कभी भी मार नहीं खाता और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर बात की समझ भी है और दूसरे बंदे की समझ भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी कोने भी मैं चले जाऊँ ना किसी की जरूरत नहीं है कि मुझसे ऐसे फ्री होकर बात भी कर ले जब तक मैं खुद ना चाहूँ किसी से बात करना मैं करूँगी क्यों किसी से बात अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर तो अकल आ गई है जितनी ठोकरें लगी हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी ठोकर खाने के बाद भी बंदे को अकल ना आए तो फिर बंदा कभी भी नहीं समझता तो लोगों की तो बातें होती है लोग तो बातें करते हैं कि सोनिया ऐसी है सोनिया वैसी है तो सिर्फ मैं जानती हूँ मेरे अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है ना इंसान को अपने दिल का खुद को पता होता है किसी और की गवाही कोई और नहीं दे सकता या उसकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है लोग बस अंदाजा लगा के बातें कर देते हैं कि ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है तो इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी जो है ना वो बेआवाज है किसी के ऊपर आज अगर आप तोहमत लगाओगे बात करोगे तो वो भी जरूर अल्लाह के साथ बैठी है देखने वाली वो भी जरूर हिसाब लेगी अंदाजा लगा के किसी के ऊपर बात करना बहुत बड़ा गुनाह है ठीक है ना अब मैं छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि 15 साल की बच्ची हूँ मुझे कुछ समझ नहीं है तो अभी भी मुझे समझ नहीं है तो फिर मुझे कभी समझ आ भी नहीं सकती ठीक है ना मैं आपसे पहले भी मैंने आपसे कहा था अभी भी बार बार कह रही हूँ अब मैं आप खुद बताएं पूरी जिंदगी है घर में तो नहीं गुजार सकती ना आखिर तो मैंने बाहर जाना निकलना है घूमना है फिरना है बाहर जाना है जैसी बात है मैं यूट्यूबर हूँ यूट्यूब पे व्लॉग बनाती हूँ तो इसका क्या मतलब है हम कहीं भी बाहर जाएं तो कोई बंदा हमारे साथ जाता है तो अपनी वीडियो में मैंने ये बात की है अब दूसरी वीडियो में भी कर रही हूँ वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है ये बात क्लियर करने की लेकिन बाज लोग हैं जो कि उन लोगों की वजह से हमारे दूसरे सब्सक्राइबर हमसे जो है ना वो नाराज होते हैं कि ये लोग आपको इस तरह के कमेंट्स क्यों करते हैं इस तरह की वीडियोस क्यों डालते हैं मैं इतना कहूँगी अपने सब्सक्राइबर से कि आपके ना किसी की बातों पे बिलीव ना करें ठीक है ना आप सबको पता है आपके सामने हूँ मैं अपनी जब से मैंने यूट्यूब चैनल पे शुरू किया है काम कभी एक बात बता दो जो मैंने कोई गलत काम किया हो कोई एक वीडियो बता दो जिसमें मैंने दुपट्टा उतारा हो सर से
कोई एक मेरी चीज बता दो, मैंने कोई गलत काम किया हो। एक लिमिट में रह के काम करते हैं ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए। और किसी की बातों में आप सब बहन भाई ना आया करें, और आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और जो जेलस होते हैं ना, जो ऐसे टक्के टक्के के लोग होते हैं, वो उठ के हमारे पर वीडियो भी डालते हैं और बातें भी उल्टी सीधी करते हैं, गिला करें उनके लिए ना। हाँ, कभी ये एक पे एक इंसान के एक ईमान दीन ईमान तो होता है ना, कि बता हाँ किसी का गिला करा तो गिला ही करे बस, तो किसी की तारीफ करा तो तारीफ ही करे। नहीं, एक दिन तारीफ करेंगे, अगले दिन गिला करेंगे, ये क्या बात हुई भाई, ये क्या तरीका है। एक बात करे ना मुझे, हाँ मेरी अम्मी देखती है वीडियो, आप यकीन नहीं, कसम खा के मैं कहती हूँ, मैं कभी किसी की मेरी वीडियो नहीं देखी, ठीक है ना। मुझे लोग आके कमेंट्स करते हैं, मुझे तब पता चलता है कि फलाने ने आपके पर ये बात की। हाँ, ये अम्मी ने मुझे सारा कुछ बताया, अम्मी पीछे थी ना, अम्मी के पास मोबाइल था, अम्मी ने वीडियो देखती रही है, तो मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं था कि कौन क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो मेरी बहन के खिलाफ भी बातें की हैं बहुत सारी, बहुत अफसोस की बात है, उस बेचारे का क्या कसूर है। शादी करनी क्या नहीं, नहीं मुझे समझ नहीं आती, क्या वो शादी नहीं करेगी, लाइबा कभी शादी नहीं करेगी, टाइम आखिर तो उसने करनी है ना शादी, या आप सबसे पूछ के करेगी जो वीडियो डालने वाले हैं। अच्छा मेरी यहाँ पे एक बात सुन लो, मैं एक ही लास्ट बात कर रही हूँ, कि लोग जितनी भी कहते हैं ना, जो बात करते हैं, कभी भी मेरे जो सब्सक्राइबर ने अपने माइंड से सोचे कि वो जो बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है कि वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। बंदे साफ करें, वो बंदा इतना शरीफ है, ऐसी क्या बात होगी कि इतने जो लोग इतने दूर बैठे हैं उनको उठा उठा के लगाना, जिनका कोई ताल्लुक वास्ते हमसे नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। ऐसे तो नहीं करना चाहिए कि किसी के बारे में आप इज्जत उछालो और आपकी बख्शिश हो जाएगी, आप बहुत अच्छी हो। इससे तो बेहतर है कि आप सामने आ जाओ, वीडियो डालो, लोगों के ऊपर अंदाजे लगा के वीडियो डालना, अंदाजे के मुताबिक के बंदे को एग्जाम लगा दो, वीडियो चाद ला दे, और क्या फायदा आया, हर कहीं देख गिनने ने जो टिकटॉक पे बैठे, क्या सीन है, कुछ नहीं सीता, जो मर्जी कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे टेंशन आया तो ये है कि बस मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बदजन ना हो, जो हमें देखने वाले हैं ना, तो उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए सब कुछ करते हैं, इनको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि सोना की व्यूज ना आए, सोना बदनाम हो जाए, हम इतना इसको ब्लेम कर देना, इसको कोई देखना भी पसंद ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी इतनी अच्छी थी, मेरी वीडियोस चली हैं, मेरे लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, मुझे पसंद किया, मैं जहाँ पे भी मैंने व्लॉग बनाया ना, सब ने पसंद किया। मैं इस बात में बहुत खुश हूँ, जब मुझे कोई गलती करती थी, मैं चश्मा लगाया, मैंने सारी वीडियो में चश्मा लगाया, तो लोगों ने कहा कि मेरे सब्सक्राइबरों ने कहा कि सोनिया ये हर रोज ना लगाओ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी खुशी है ना। समारोह को मैंने एमन को मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, तो लोगों ने कहा कि नेक्स्ट सोनिया आप लिपस्टिक नहीं लगानी, मैंने नहीं लगाई, क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे समझ ले हमारी फैमिली है, वो हमें गलत गाइड कभी नहीं करते, हमें अगर कोई बात करते ना, हमें समझाने वाली बात करते हैं, तो उस पे मैं अमल भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अमल नहीं करती। नाम करना ना, मेरी बेटी तो मासूम है ना, उन्होंने बेटा होता है, कल को उन्होंने बेटा होते ही थी, मासूम बेटी है मेरी, बेटी से गल करे ना क्या फायदा आंदे, उस बेचारे को तो अच्छे बुरे का इतना पता भी नहीं, जिसके शादी इलमी का नहीं, खाली कोई पता ही क्या नहीं, शादी का ना ही कोई नहीं दीदा, पता नहीं करे ना कौन, अभी तो लाइबा की शादी को काफी देर है, आया बेटी जब करेंगे ना सबको पता चल जाएगा। नहीं, अगर लाइबा शादी करेगी भी सही ना, तो इसमें हार जी क्या है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो जो लोग वीडियो डालते हैं वो हमसे पूछ के अपनी बेटी शादी करते हैं, नसीब है किसी वाले, ऐसा कोई गाली कहने की थी कहीं भी ना, आज के बाद अगर लाइबा के बारे में किसी ने कोई वीडियो डाली या लाइबा के बारे में कुछ कहा, अगर जाने का तो इंशाल्लाह मेरी अम्मी की बद्दुआ उनको जरूर लगेगी, मां कहीं तो गाली कहने करेंगी, है अपनी वीडियो पड़े हैं सारे बारे लाइबा के बारे में कोई गाल ना करे, मेरी सीधी शादी है, क्या कह रही है आपको बेचारी, वो बेचारी वो खुद इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, आप लोगों की बातों की वजह से वो मजीद बीमार हो जाएगी, ये चाहती हूँ आप लोग की वो दोबारा बीमार हो जाए, मेरे तो वीडियो डाल देते हैं शादी करेंगे, इतना मैं कहूँगी जो वीडियो डालते हैं, जो गलत बात करते हैं लाइबा के बारे में, गलत उल्टी सीधी बातें की है ना, इंशाल्लाह वो भी और अपनी दुआ, मेरी दुआ लगती ना को, मैं कह नहीं ना कहीं गाल खेती, ऐसा कोई गाल करो ना वाले सारे, अगर बेगुनाह करें कोई फायदा है, बेगुनाह ऐसे किसी के इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना कितनी बुरी बात है, हम पहले शादी सीधी पी होती हल्दा से शादी ना ही करेंगे, दा नहीं करेंगे भी सही, तो उनसे पूछ के करेंगे हम शादी, जब टाइम आती शादी, जब टाइम आगे हम करेंगे उनकी शादी, क्यों नहीं करेंगे लाइबा की शादी, वो अपनी बेटों की शादी नहीं करते, उसने खुद ने जिसने वीडियो डाले वो खुद शादी नहीं करती, मुझे बेटा हुसैन